हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप बनावीशू इडली में एकदम नवो नास्तो, जेने तमे सवारे बपोरे अथवा सांजे गमे त्यारे नास्ता में बनावी शको छो। एकदम फ्लफी और एकदम टेस्टी बनतो आलू इडली नो नास्तो तमने बहुत भावशे। रेसिपी एक बार ट्राई करजो ने जो वीडियो गमे तो वीडियो ने लाइक कर देजो। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। तो एना माटे मैं अँ इडली अथवा ढोसा नु बेटर लीधु छे, तो तमे आमा कोई पण बेटर लई शको छो। मैं तैयार बेटर लीधु छे। बेटर ने अपने साइड पर राखी दईए अने आलू इडली बनावा माटेनुं स्टफिंग बनावी। तो एना माटे एक मोटी चमची तेल लीधु छे, तेमां एक चमची जीरुं उमेरीशुं। जीरुंनो कलर बदलाय एटले एक झीणी समारेली डुंगळी उमेरी देशुं अने डुंगळीने सांतळी लेशुं। डुंगळीने आपणे 1-2 मिनिट माटे सांतळवानी छे। डुंगळी अहींया सतळाई जाय एटले हवे मसाला उमेरी दईए। तो एमां एक चमची हळदर पाउडर उमेरीशुं, एक चमची आदु मरचीनी पेस्ट उमेरीशू, एक चमची काश्मीरी लाल मरचो पाउडर, एक अथवा 1.5 टेबल स्पून मीठू उमेरीशू अने झीणू समारेलू टामेटू उमेरी सारी रीते मिक्स करीशू। बधु सारी रीते मिक्स थई जाय एटले तेमा 1 टेबल स्पून पाउभाजीनू मसालो उमेरीशू। एनाथी टेस्ट आमां बहुत सरस आवशे। तमे स्टफिंग में कोई पण मसालो गरम मसालो उमेरी शको छो। आ सारी रीते मिक्स थई जाय त्यारबाद आपणे बाफेला बटेटा जेने झीणा समारेला छे ते उमेरीशुं अने बटेटा एमां उमेरीने एमां सारी रीते मेश करी लेशुं। आलूनुं स्टफिंग एकदम सॉफ्ट राखवानुं छे, एवी रीते एकदम पोचा थई जाय ए रीते आपणे आलूने मेश करी लेशुं। तो अहींया आपणा बटेटा एकदम सारी रीते मेश थई गया छे। तो आपणुं आलूनुं स्टफिंग बनीने रेडी थई गयुं छे। हवे आ स्टफिंग आपणे इडलीमां उमेरवानुं छे, तो एकदम पोचुं अने एकदम सॉफ्ट रहे एवुं ज आपणे स्टफिंग बनावानुं छे। हवे आपणे इडली बनावीए तो एना माटे मैं बेटर लीधुं छे। बेटरमां थोड़ो एवो ईनो उमेरीशुं अने एमां अर्धा लींबूनो रस उमेरीशुं अने सारी रीते बेटरने मिक्स करी देशुं। तो अहीं आपणुं बेटर रेडी छे। हवे आपणे इडली बनावीए तो एना माटे स्टीमरमां आपणे पाणी गरम करवा मूकी दीधुं छे। पाणी गरम थाय त्यां सुधी आपणे इडलीनी तैयारी करीए। तो इडलीनी प्लेटमां मैं ऑइल ग्रीस करी दीधुं छे। हवे तेमां आपणे बेटर उमेरीशुं। तो बेटर आपणे वधारे नथी उमेरवानुं, थोड़ू ज उमेरवानुं छे। अने आ आपणी इडलीनुं पहेलुं लेयर छे, तेने आपणे फक्त 1 मिनिट माटे स्टीम करवानुं छे, वधारे स्टीम नथी करवानुं। तो फक्त 1 मिनिट माटे स्टीम करी लीधुं छे। 1 मिनिट पछी तमे जोशो तो इडली वधारे फूलेली पण नहीं होय अने चढ़ी गई हशे। हवे आपणे इडलीनुं स्टफिंग उमेरीशुं। तो एना माटे 1 चमची जेटलुं स्टफिंग लईशुं। स्टफिंग ने आपणे गोल बॉल बनावीशुं अने हाथेथी प्रेस करी आ रीते चपटू करी तेने आ बेटरमां उमेरी देशुं। एवी ज रीते आपणे बधा बेटरमां आलू स्टफिंग भरी देशुं। आ रीते इडलीमां आपणे स्टफिंग भरी देशुं अने तेनी उपर फरीथी थोड़ू बेटर नाखी इडलीनुं लेयर बनावी लेशुं। तो आ रीते मैं इडली बनावी लीधी छे। हवे तेने 10-15 मिनिट माटे स्टीम करीशुं। तो 10-15 मिनिट पछी तमे जोशो तो एकदम फूलेली अने एकदम परफेक्ट इडली तैयार थई गई छे। हवे इडलीने नीचे उतारी लईए अने थोड़ी वार ठंडी थाय त्यार पछी आ रीते चमचीनी मददथी इडलीने बहार काढी लईए। तो तमे जोई शको छो केटली परफेक्ट फूलेली अने एकदम सरस इडली तैयार थई गई छे। एवी ज रीते आपणे बधी इडलीओ बहार काढी લઈશું। હવે આ ઇડલીને પ્લેટમાં સર્વ કરી દઈએ। તો હું તમને આ ઇડલી કાપીને બતાવું છું। તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ એકદમ ફૂલેલી અને એકદમ ટેસ્ટી દેખાય છે। તેનું સ્ટફિંગ પણ બહુ જ સરસ આવ્યું છે। આ ઇડલીને તમે સવારના નાસ્તામાં કે સાંજે કોઈ ઝટપટ રેસિપી બનાવી હોય ત્યારે પણ બનાવી શકો છો અને આ ઇડલીને તમે સોસ કે ચટણી વગર પણ ખાઈ શકો છો। એનું સ્ટફિંગ એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે આ ઇડલી પણ તમને બહુ જ ભાવશે। તો તમે આ રેસિપી એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમારા ઘરના બધા સભ્યોને બહુ જ ભાવશે। જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।